तो गाइस इस एपिसोड के अंदर फ्रैंकलिन कोकू नरूटो और क्रेटोस की फाइट होने वाली है सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके चेलों से। तो गाइस इस वीडियो को तुम लोग लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर लिटरली बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है। लिटरली गाइस तुम लोग सोच नहीं सकते इस एपिसोड के अंदर क्या क्या होने वाला है, तो लास्ट तक डेफिनेटली तुम लोग देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। फाइनली गाइस लेस्टर ने मुझे सर्बियन डांसिंग लेडी की लोकेशन बता दी और गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माउंटेन यानी कि माउंट जूलियट के बिल्कुल टॉप पे है इधर। और गाइस अब मैं जा रहा हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करने के लिए और साथ ही सिंचन पिंचन चॉप माइकल की पूरी फैमिली और साथ ही ट्रेवर को उससे बचाने के लिए। मेरे को पता है गाइस यार तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इस गन से तो कभी भी सर्बियन डांसिंग लेडी को नहीं मार सकता, और गाइस तुम लोग सही सोच रहे हो। इस गन से एक्चुअली गाइस यार मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के चेलों को मारने वाला हूं जो मुझ पर अटैक करेंगे, सर्बियन डांसिंग लेडी तक पहुंचने से मुझे रोकेंगे। और मुझे पता है गाइस यार इस गन के अंदर इतनी तो पावर है कि मैं आराम से सर्बियन डांसिंग लेडी तक पहुंच जाऊंगा। और मुझे गाइस ये भी पता है कि जैसे मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के पास पहुंचूंगा वो मुझ पर अटैक करने वाली है। लेकिन गाइस इससे पहले कि मुझ पर अटैक करेगी मैंने उसको मारने के लिए एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान बना रखा है। गाइस जैसे ही मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के पास पहुंचूंगा वहां पर गोकू नरूटो और क्रेटोस तीनों आ जाएंगे सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करने के लिए। और उसके बाद गाइस हम लोग सर्बियन डांसिंग लेडी को जड़ से खत्म कर देंगे। जैसे गाइस लास्ट एपिसोड्स के अंदर हमने सर्बियन डांसिंग लेडी के सारे पावरफुल चेलों को खत्म करा था। अब गाइस मुझे जाना है माउंट जूलियट के बिल्कुल टॉप पे, और तुम लोगों को तो गाइस पता है माउंट जूलियट कितना ज्यादा बड़ा है, इसलिए गाइस मैं यहाँ पर आया हूँ राइड पे। बेसिकली गाइस ये इस तरीके की राइड है कि अगर मैं यहाँ पे बैठूंगा तो मैं सीधा माउंट जूलियट के टॉप पे पहुंचूंगा, तो इसलिए गाइस मैं इस स्टेशन पे आया हूँ। सो लेट्स गो फटाफट राइड देखते हैं। अरे वेट, राइड अभी तक आई नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस हम लोगों को। और लो आ गई हमारी राइड, लेट्स गो फटाफट चलते हैं गाइस राइड के पास और चलते हैं इसके अंदर। आ चुकी है गाइस फाइनली यहाँ पर हमारी राइड, चलते हैं फटाफट इसके अंदर। अब गाइस हम लोग जाने वाले हैं माउंट जूलियट के बिल्कुल टॉप पे, सर्बियन डांसिंग लेडी लिटरली आज बचेगी नहीं, ऐसा प्लान बनाया ना उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। और फाइनली गाइस यहां पर अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर माउंट जूलियट के बिल्कुल टॉप पे, और अब होगी बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट। बस गाइस अब हम थोड़ी देर के अंदर माउंट जूलियट के बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले होंगे। अब गाइस जब तक हम लोग माउंट जूलियट के बिल्कुल टॉप पे पहुंच रहे हैं तुम लोग यार गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें होने वाली है। आ चुके हैं गाइस हम लोग फाइनली माउंट जूलियट के बिल्कुल टॉप पे, लेट्स गो गाइस। अब हम लोग चलते हैं सर्बियन डांसिंग लेडी के पास। गाइस मैं यहाँ पे माउंट जूलियट के टॉप पे तो आ चुका हूँ, बट मुझे सर्बियन डांसिंग लेडी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। एक बार मैं मोबाइल फोन में चेक करता हूँ अपने। गाइस यहाँ पर मैंने मोबाइल फोन के अंदर लोकेशन चेक कर ली है और गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी इधर की साइड को है। फटाफट बढ़ते हैं आगे गाइस, लेट्स गो। गाइस लोकेशन के हिसाब से मुझे बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। और वेट एक मिनट, अबे डेड बॉडी है सामने गिरी हुई, इनको किसने मार दिया? गाइस से जरूर डेफिनेटली सर्बियन डांसिंग लेडी का काम होगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भाई कितनी बुरी तरीके से मारा है इस बंदे को, तुम लोग देख रहे हो। और वेट अबे भाई किस तरीके की पावर है, हेलो ये किस तरीके की मैजिकल पावर है भाई, बंदा हवा में लटक रहा है और कितना सारा ब्लड निकल आया इसके अंदर से। गाइस ये सारे के सारे लोग माउंट जूलियट पे हाइकिंग करने के लिए आए थे, बट इनके साथ तो उल्टा ही सीन हो गया। मैं सर्बियन डांसिंग लेडी को छोड़ूंगा नहीं। अबे अबे सर्बियन डांसिंग लेडी नाच क्यों रही है ये? मुझे पता था फ्रैंकलिन तू आएगा, आ ही गया आखिरकार, तू काफी देर से इंतजार कर रही हूँ तेरा। सर्बियन डांसिंग लेडी तो मेरा क्या इंतजार कर रही है, मुझसे शादी करनी है क्या तुझे? हाँ फ्रैंकलिन मुझे तुझसे प्यार हो गया है। है पागल है क्या? मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब ये सही में प्यार हो गया इसको? हेलो तुझसे प्यार करने के बजाय मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊँ? बस बहुत हुआ फ्रैंकलिन, बहुत बोल लिया, अब टाइम आ चुका है तुझे खत्म करने का। अबे भाई ये किधर चली गई, और इसने मुझे धमकी दी थी कि ये मुझे मारेगी। सर्बियन डांसिंग लेडी हिम्मत है तो सामने तेरे को बताता हूँ। फ्रैंकलिन पीछे देख। पीछे देखूं? अबे यार हेलो, एक टेलीपोर्ट हो गई एकदम से सामने। क्या होगा फ्रैंकलिन तेरा, तू तो गया बेटे, आज सारा बदला तुझसे ले लूंगी। तूने सबसे पहले मेरे सारे चेलों को मारा और अब मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन तू तो गया, आज तो तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। तुझे क्या लगता है सर्बियन डांसिंग लेडी, डांस सिर्फ तुझे ही करना आता है? डांस तो मुझे भी करना आता है। वे फ्रैंकलिन क्या हरकतें कर रहा है, लगता है मौत के डर से पागल हो चुका है तू। फ्रैंकलिन पागल तो मैं नहीं, तू होगी सर्बियन डांसिंग लेडी, आज तो तेरा गेम ओवर हो जाएगा। अरे ये तू हवा में कैसे लटक रहा है? तुझे क्या लगता है कि गेम खेलना सिर्फ तुझे ही आता है? हाँ
फ्रैंकलिन तू पगला गया है क्या, ये कैसी हरकतें कर रहा है? अभी पता लगेगा तुझे सर्वियन डांसिंग लेडी पगलाया मैं हूँ या फिर तू। ये सब कुछ मैं खुशी के मारे कर रहा हूँ। तू भी ऐसा डांस करती थी ना कुछ इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, और फिर मुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारती थी। अब उल्टा सीन होगा, अब मैं करूँगा डांस और पिटेगी तू। मारेगा कौन मुझे? एक बार अपने पीछे तो देख, तेरे बाप आए हैं सर्बियन डांसिंग लेडी, पीछे तो देख एक बार। फ्रैंकलिन मजाक कर रहा है क्या? क्यों सर्बियन डांसिंग लेडी डर लग रहा है क्या पीछे देखने में? एक बार पीछे तो देख, पीछे देख तो सही एक बार। अरे कौन आया है आखिर ऐसा, इतना क्यों डरा रहा है तू? तो मान ही लिया कि तू डर चुकी है, पीछे तो देख और भी ज्यादा डर जाएगी। हंसले फ्रैंकलिन कितना हंसेगा, आज तुझे खून के आंसू ना रुला दिए ना तो मेरा नाम भी सर्बियन डांसिंग लेडी नहीं। देख लेंगे सर्बियन डांसिंग लेडी खून के आंसू कौन रोएगा और कौन नहीं, तू एक बार पीछे तो देख। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन, ले सबसे पहले पीछे ही देखती हूँ। अरे गोकू, क्रैटोस, नारुतो, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हे सर्बियन डांसिंग लेडी, तूने जितना जुल्म कर लिया बस कर लिया, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। सर्बियन डांसिंग लेडी तू बचेगी नहीं, घबरा मत, तुझे इतनी बुरी तरीके से मारेंगे तूने सोचा नहीं होगा। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, ब्लेड्स लेकर आया हूँ, आज तक तुझे मारने के लिए, बचेगी नहीं तू। लगता है ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। फ्रैंकलिन तो ये सब तेरा खेल था। हाँ बिल्कुल सही पहचाना तूने सर्बियन डांसिंग लेडी, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही खेल खेल सकती है? आज मैंने ऐसा खेल खेला है कि तूने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फ्रैंकलिन तेरी हंसी अभी मुझे जहर लग रही है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, एक बार इन सबको निपटा दूं उसके बाद तुझे बताऊंगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीनों मुझे मार दोगे? लेकिन आज मैं तुम्हारी गलतफहमी को खत्म कर दूंगी, आज मैं तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगी, तुम तीनों बचोगे नहीं। छोटे मुझसे बड़ी बात अच्छी नहीं लगती, वो तो देख लेंगे कि कौन किसको मारेगा और कौन किसको नहीं। तेरे लिए तो सर्बियन डांसिंग लेडी मैं अकेला ही काफी हूँ। अच्छा तो इतना ही भरोसा है अपनी ताकत पे, तो मुझसे लड़ गोकू। यहाँ क्या मैं भेलपुरी खाने के लिए आया हूँ? तुझसे लड़ने के लिए आया हूँ? इन दोनों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ही अकेले तुझे खत्म कर दूंगा। देखेंगे देखेंगे कौन किसको खत्म करेगा किसको नहीं। गाइस गोकू तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, गोकू तो सर्बियन डांसिंग लेडी को छोड़ेगा नहीं आज। एक मिनट गोकू, अभी इसको मारना शुरू मत करना। अरे लेकिन क्यों फ्रैंकलिन, क्या हुआ? असल में गोकू, इस सर्बियन डांसिंग लेडी ने सिंचन पिंचन चॉप माइकल की पूरी फैमिली ट्रेवर सबको अपने कैद में ले रखा है, तो सबसे पहले उनकी लोकेशन जाननी पड़ेगी हमें। चुपचाप बता दे सर्बियन डांसिंग लेडी, तूने उन सबको कहाँ छुपाया, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर चाहती है कि तू जरा तड़प तड़प के ना मरे तो चुपचाप मुझे उनकी लोकेशन बता दे, वरना मैं गोकू से कहकर तुझे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पिटवाऊंगा। फ्रैंकलिन तुझे क्या लगता है कि ये गोकू मुझे मारेगा? ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। और अगर तू सिंचन पिंचन जॉब माइकल और माइकल की फैमिली ट्रेवर सबको बचाना चाहता है तो जा इस पोर्टल से मेरे वर्ल्ड में, और वहाँ पे जाके सबको मार के उनको बचा के लेकर आ जाए अगर तेरे में हिम्मत है तो। सर्बियन डांसिंग लेडी तूने उन सबको अपने वर्ल्ड के अंदर कैद कर दिया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब सबसे पहले तो मुझे ये बता कि आखिर पोर्टल कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी पोर्टल नहीं दिख रहा। सामने पत्थरों के बीच में है पोर्टल, जा अगर हिम्मत है तो छुड़ा ले सबको। तू पोर्टल से मेरे वर्ल्ड के अंदर चला तो जाएगा लेकिन तो कभी उनको छुड़ा कर नहीं वापस लेकर आ पाएगा। जा अगर हिम्मत है तो बचा ले उनको, क्योंकि उन पे वैसे ही बहुत कम टाइम बचा है। क्या बहुत कम टाइम बचा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं गोकू, नारुतो और क्रैटोस तीनों इसको छोड़ना मत। मैं जा रहा हूँ सिंचन पिंचन जो माइकल ट्रेवर सबको रेस्क्यू करने के लिए। फ्रैंकलिन तू टेंशन न ले, तू जा उन सबको बचा, इससे तो हम निमट लेंगे। थैंक यू क्रैटोस और गोकू नारुतो तुम्हारा भी मेरी मदद करने के लिए। सर्बियन डांसिंग लेडी बेटा आज तो तेरी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वाट लगेगी। गाइस चलो हम लोग चलते हैं उन सबको रेस्क्यू करने के लिए, यहाँ पर गोकू नारुतो और क्रैटोस इस सर्बियन डांसिंग लेडी से निमट लेंगे। लेट्स गो, फटाफट देखते हैं सबसे पहले पोर्टल किधर है। गाइस यहाँ पे तो मुझे किधर भी पोर्टल नहीं दिख रहा। वेट, दिख गया पोर्टल। सर्बियन डांसिंग लेडी ने गाइस बोला था कि पोर्टल पत्थरों के बीच में, और गाइस यहाँ पे मेरे को पोर्टल दिख तो रहा है बट यहाँ पे गाइस बहुत ज्यादा अंधेरा दिख रहा है बीच में। बट भाई अभी तो इवनिंग हो रही है, काफी ज्यादा धूप निकल रही है तो यहाँ पे अंधेरा कैसे हो रहा है? ये सर्बियन डांसिंग लेडी की गाइस यार डार्क पावर है, मैजिकल पावर का कमा रहे। 1 2 3 डर तो लग रहा है लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, हमें जाना पड़ेगा गाइस। लेट्स गो। और वेट, ये मैं किधर आ गया? हेलो गाइस, ये मैं किधर आ गया? बट वेट, ये बंदा कौन है? हेलो, और इसके फेस कितना ज्यादा वियर्ड है। लगता है गाइस मैं डेफिनेटली सर्बियन डांसिंग लेडी के वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, जब भी तो मेरे को इतने अजीब अजीब तरीके के लोग दिख रहे हैं। लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे। और वेट, इसने मोलोटोव हाथ में ले रखा है।
और इंसान की बॉडी है ब्रो। हेलो, और सर भाई जानवरों का है। मेरे को लगता है डेफिनेटली सर, ये क्या बोल रहा है भाई? हेलो, हाथ ही हाथ हिलाया जा रहा है, बोल क्या रहा है बताएगा? पता नहीं क्या सीन है गाइस, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे उड़ा दूंगा भाई। गाइस इतनी प्यार से कुछ बोले गनी, मैं इसके सर पे गोली मारूंगा। और वेट, अबे सर पे गोली मारो, उसको कुछ हो नहीं रहा। अबे किस तरीके का बंदा है? हेलो, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। निकलता हूँ मैं यहाँ से, निकलता हूँ। पता नहीं भाई किस तरीके का बंदा है, मैं किधर आ गया ये? अबे नीचे फंस गया, बाहर निकलना पड़ेगा। लेट्स गो, निकल, चलो चलो भाई साहब, यार किधर आ गया है मैं? लेट्स गो भाई साहब। यहाँ पे तो गाइस यार बहुत सारे स्टोन है। मैं काम करता हूँ गाइस, इस गुफा से बाहर निकलता हूँ। आई थिंक ये गुफा ये। और वेट, यहाँ पे गाइस मेरे को एक और पोर्टल दिखा है छोटा सा, शायद यही है रास्ता आगे बढ़ने का। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर ही बहुत ज़्यादा गहराई में गुफा है? आई डोंट नो क्या सीन है, डर तो लग रहा है अंदर जाने में, कहीं ऐसा ना हो मैं गुफा के अंदर ही फंस जाऊँ। बट मेरे को गाइस यार यहाँ पर कहीं पर भी रास्ता नहीं दिख रहा बाहर जाने का, और सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पे। तो लेट्स गो, देखते हैं जो होगा। लेट्स गो। और वेट गाइस, मैं तो अभी भी उधर ही हूँ। अबे भाई ये गाय कहाँ से आएगा यहाँ पे? हेलो, क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मूर्ति यहाँ पे कहाँ से आएगा? यहाँ पे तो एक बंदा था और वो बंदा गायब हो गया, यहाँ पे एक मूर्ति है। और वेट गाइस, यहाँ पर तुम लोग देखो एक ब्लैक होल या फिर पोर्टल। गाइस लिटरली ये सर्वियन डांसिंग लेडी का वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वियर्ड है। मैं पोर्टल से पता नहीं किधर किधर पहुँचे आ रहा हूँ। अभी तो यहाँ पर एक बंदा था, वो गायब हो गया, और यहाँ पर ये आ गई मूर्ति, और यहाँ पे एक और पोर्टल ओपन हो गया। शायद गाइस इस पोर्टल के अंदर ही जाना है। सो लेट्स गो, जंप करते हैं इस पोर्टल के अंदर, जो होगा देखा जाएगा। गाइस मैं सर्वियन डांसिंग लेडी के वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे उन सबको रेस्क्यू करना होगा। 1 2 3 लेट्स गो। यार लग गई भर के। अबे मैं अभी भी पत्थर के अंदर ही हूँ, क्या हो रहा है यार? यहाँ से तो मैं बाहर ही निकल नहीं पा रहा। एक मिनट, किसी ने गाइस गोली मारी। अबे पोर्टल क्या है ये? हेलो, ये क्या चीज़ है भाई? हवा में उड़ रही है, ब्लैक ब्लैक सी, गायब हो गई। कौन है गोली मार रहा है? कौन गोली मार रहा है भाई? सामने मैं तेरे को बताता हूँ फिर। पता नहीं कौन गोली मार रहा है भाई, इनविजिबल बंदा कोई। कौन गोली ये रहा तेरी तो निकल नहीं आ रही। हेलो, अबे भाई कौन था वो बंदा? पीछे आ गया, कभी कहाँ से गोली मार रहा है? मेरे को तो कहीं समझ नहीं आ रहा। कौन है भाई, कौन है? सामने आना, मेरे को छुपना पड़ेगा। इधर छुप जाता हूँ। कोई यहाँ पे भी एक सामने बंदा आया था, किधर चला गया? अबे क्या हो रहा है ये? अबे कैसी गुफा में फंस गया मैं यहाँ पे? अबे क्या हो रहा है मेरे साथ, ये पत्थरों के अंदर फंस गया। ये रहा बंदा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, सर पे गोली मारूंगा तेरे। अबे टेलीपोर्ट हो जा रहा है भाई, कैसी पावर है इसके पास? ये बंदा मरकर नहीं दे रहा, घूम घूम के आया था। पीछे से मार रहा है गोली, अब किधर से मार रहा है? अबे यार क्या हो रहा है, पीछे से मार रहा है, किधर से मार? अबे भाई गायब होता है। अबे मैं गोली मारता हूँ, गायब हो जाता है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। किधर से गोली मार रहा है ये? गाइस उस बंदे, ये रहा, अबे फिर गायब हो गया। गाइस यहाँ पर मैं समझ चुका हूँ, उस बंदे के पास डेफिनेटली मैजिकल पावर है। और मेरे हिसाब से गाइस ये पोर्टल है ब्लैक कलर का, मेरे को यहाँ पे जाना है। अबे यार लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा हवा में, मतलब ऊपर की साइड को है, मेरे को इस पोर्टल के अंदर जाना है। जब भी जाके गाइस मैं इस बंदे से बच पाऊंगा। एक गोली पे गोली मार रहा है, पता नहीं किधर से गोली मार रहा है। अबे कहाँ है बंदा? अरे गोली पे गोली मार रहा है, पीछे से मार रहा है। लेट्स गो, पोर्टल के अंदर चलते हैं। यार पोर्टल के अंदर नहीं जा पा रहा, ये रहा ये बंदा। गाइस इस बंदे ने मेरे को एकदम से मारना बंद कर दिया। इसके पास जाता हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे एकदम से गायब हो जाता है, टेलीपोर्ट हो जाता है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको मार के गाइस शायद मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। तेरी तो निकल यहाँ से। सर पे गोली हर जगह गोली मारूंगा इसके। मर गया, फाइनली गाइस मर गया। मार दिया गाइस इस बंदे को मैंने भाई, लिटरली इस बंदे ने मेरे को पागल कर दिया था। पता नहीं कहां से गोली मारा था, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी इधर से, कभी उधर से, मैं नहीं ढूंढ पा रहा था इसको। लेकिन पकड़ लिया, फाइनली इसको खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे। भाई साहब उस बंदे को मार के मैं एकदम से किधर टेलीपोर्ट हो गई। ये कौन मरा हुआ है? इतना सारा ब्लड निकला है इसका, ये कोई लड़की है? और गाइस यहाँ पे काफी सारी कैंडल्स भी जल रही है। और एक मिनट, ये सामने इस बंदे को क्या हो रहा है? क्या सस्ते नशे कर रखे हैं क्या इसने? क्या हो रहा है इसको भाई, रोड के बीच में कर क्या रहा है आखिर? और एक मिनट, ये ब्लास्ट कैसा हुआ यहाँ पे? एक मिनट गाइस, कोई तो शायद आ रहा है। अबे कौन है? मैं तेरा भूत भर दूंगा। कौन है भाई? पूरा खून में लतपत कर दिया। कौन है? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कौन मार रहा है? शायद ये बंदा है क्या? अबे ये कैसा बंदा है? हेलो, अबे यही मेरे पे मार रहा है डेफिनेटली। अबे भाई साहब, अबे पिग, ये किस तरीके का पिग है? और ये बंदा भी गाइस यार, अबे गाय का मुंह है इसका, और ये इंसान है, और पिग। अबे भाई किस तरीके का इंसान है ये? भाई साहब भर के मार दिया, मैं कहाँ फंस गया यार? कैसा वर्ड है लिटरली? मैं तेरे सारी सर पे गोली भाई साहब फेर दिया, रख के क्या हाल कर दिया मेरा इसने। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरी निकल यहाँ से। अबे भाई साहब, अबे पिग काओ इंसान, तीनों के तीनों मेरे पीछे पड़ गए। ये कौन मार रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं। यही मार रहा है गाइस यार, ये अजीब सा आदमी मेरे को मार रहा है बार बार। पता नहीं गन कहाँ से आ गई इसके पास, इतनी खतरनाक। एक गन में मेरे को उड़ा देता है पूरा।
तेरी तो एक बार खड़ा तो होने दे भाई, प्लीज खड़ा तो होने दे यार। भाई साहब हवा में से उड़ के मार रहा है ये, हेलो क्या हो रहा है इसको? भाई कैसे कैसे जानवर मेरे पीछे पड़ रहे हैं, कैसे इंसान हो तुम लोग? भाई साहब यार मैं गन मारा इनको कुछ हो ही नहीं रहा। अबे भाई साहब फिर मार दिया और यहाँ पे दो लोग और आ गए। अबे ज़ॉम्बी है क्या, कितना सारा ब्लड निकला है, बट ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? हेलो अबे किधर चला गया? अबे भाई साहब मेरे साथ यार इन दोनों को भी उड़ा दिया उस बंदे ने। आखिरी बंदा गया तो गया किधर? अबे रुक तो जा भाई, सांस तो लेने दे प्लीज, खड़ा तो होने दे एक बार। और ये पिक मेरे से दूर हो जा तू, कैसा अजीब सा पिक है ये तेरे को? अबे डेविल बॉस कोई पुराने वाला डेविल बॉस, मैं सबको उड़ा दूंगा तुम्हारी भैंस की। कौन है भाई, कौन गोली मार रहा है? मेरे को कोई दिखे नहीं रहा। गाइस तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे गन हवा में उड़ ली है और खुद ही खुद मेरे को मार रही है, बट गन अपने आप कैसे चल सकती है? देखो ये रिगन। ओबे भाई साहब मुंह पे मार रहा है भर के यार, किधर फंस गया ये? कैसा अजीब सा कर्स वर्ड है भाई ये, सर्बियन डांसिंग लेडी का वर्ड बहुत ज्यादा वियर्ड है। लिटरली भाई मारे जा रहे हैं सारे के सारे लोग, मेरे को मारे जा रहे हैं। ओबे भाई पेल दिया रख के, मैं पूरा खून में लथपथ हो चुका हूं। और एक मिनट, ये बंदे का आधा शरीर ही नहीं है, मेरे पे हमला कर रहा है, और ये कौन है? अबे भाई साहब कुत्ते को उड़ा दिया। अबे भाई एक मिनट, इस कुत्ते के अंदर से कहीं आग निकल रही है और ये मेरा पीछा कर रहा है। भाई सारे के सारे लोग इस विलेज के मेरे पीछे पड़ चुके हैं यार, प्लीज जाने दो यार, से गलती हो गई भाई, मैं अपने घर पे वापस जा रहा हूँ भाई, प्लीज जाने दो यार। अबे कैसा कुत्ता है, इसके अंदर आग लग रही है, इसको कुछ हो नहीं रहा, मेरे पे अटैक कर रहा है उल्टा। भागो भागो, वेट मैं भाग कर रहा हूँ, मैं कैसे भूल गया गाइस, मेरे पास बहुत सारी गन्स है, मैं लिटरली इन लोगों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दूंगा। कुत्ते पीछे हो जा, तेरी सबसे पहले तुझे उड़ाता हूँ, कुछ नहीं हुआ। ऊपर रॉकेट लॉन्चर से कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, नीचे हो जा, पीछे हो जा भाई, पीछे हो जा। भागो भागो भागो, सबसे पहले काफी ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, उसके बाद गाइस मैं इन पर अटैक करूंगा। एक कुत्ता तो पीछे पड़ गया, इस कुत्ते को सबसे पहले उड़ाऊंगा। अबे भाई कुछ नहीं हो रहा कुत्ते को, कुत्ते के मुंह पे मार रहा हूं भाई गन, तेरी तो कुत्ते निकल गया उसे, सब उड़ गए लेकिन कुत्ता नहीं उड़ रहा भाई। मेरे को लगता है गाइस जरूर डेफिनेटली ये सर्वियन नेशनलिटी का डॉग होगा, जो भी इसके अंदर भाई इतनी सारा पावर्स है भाई। रॉकेट लॉन्चर से कुछ नहीं हो रहा, और वेट गाइस वो कुत्ता कहां गायब हो गया? अब बताता हूँ तुम लोगों को, कुत्ता तो पता नहीं कहाँ चला गया, तेरी निकल यहाँ से, उसके मुंह पे मारा रॉकेट लॉन्चर। और लड़की पीछे हो जा, कितनी अजीब सी लड़की है, खून निकला लेकिन नहीं मेरे पे अटैक करेगी। पेल दिया, जला दिया भाई, दोनों जलने नुबड़ी के। अब बारी है तुम दोनों की, आजा डेविल बॉस तेरे मुंह पे मारूंगा पट्टे से। अच्छा पहुंच गया, जो इसके बराबर से निकला रॉकेट लॉन्चर, आ जाओ तेरी तू निकल यहाँ से, उसको भी उड़ा दिया। एंड अब बारी है इसकी, खड़ा हो डेविल बॉस। अच्छा नहीं तू, तेरी निकल यहाँ से, 100 रुपये रॉकेट लॉन्चर मारा है, अब तो डेफिनेटली नहीं उठने वाला। अबे क्या है ये, अबे सारे के सारे मेरे पीछे पड़ रहे हैं। और ध्यान से देखो गाइस यार, जो बंदा मेरे पे गन मार रहा था वो अंदर से खोखला है, तुम लोग ध्यान से देखो। बट गाइस इनके डेड बॉडी तक मेरा पीछा कर रही है, तेरी निकल यहाँ से, डेड बॉडी उड़ा दूंगा मैं तुम्हारी तो। अबे हवा में उड़ा जानवर, भाई क्या हो रहा है, ग्रेविटी है इस वर्ल्ड के अंदर या नहीं? बंदे अलग ही लेवल का भाग रहे हैं। और अच्छा भाई क्या हाल चाल है आपके, ये लोग दोबारा से खड़े हो गए और कैसे देख रहे हैं मुझे, अरे क्या सीन है? हेलो हाँ भाई क्या हाल चाल है, कैसे देख रहा है, गुस्से से मारेगा है, मेरे को मारेगा पट्टे से लिखा, मेरे पर रॉकेट लॉन्चर की कमी नहीं है तुम्हारी, आ जा निकल यहाँ से, 100 रुपये उड़ा दिया ना, मार दिया इसको। और भाई कुत्ता अभी तक नहीं मरा, तेरी तो तेरे को बताता हूँ, कुत्ते के बच्चे सबसे पहले मर जा कुत्ते। भाई M249 मशीन गन चला रहा हूँ लेकिन कुत्ता मर नहीं रहा, सारी सर पे गोली मारूंगा, मर गया कुत्ता मर गया। गॉइस इस डेविल बॉस को तो मैंने उड़ा दिया था, बट ये नाइफ लेकर आ रहा है, पता नहीं क्या लेकर आ रहा है। भाई तुम लोग मरते क्यों नहीं, कितना मारू तुम लोगों को, इसके सर पे M249 गायब हो गया, पीछे से आएगा क्या? कैसे गायब हो रही है, निकलो गाइस मैं तो यहाँ पे तेरे क्या देख रहा है, निकल यहाँ से दोबारा का, निकलो यहाँ से फटाफट गाइस यार, यहाँ से निकलो, इतना मैं समझ चुका हूँ, इस विलेज के अंदर मैं रहूंगा तो गाइस मारूंगा डेफिनेटली। भाई यहाँ के लोग अजीब तरीके के लोग हैं, बिल्कुल ही मारता हूँ मरते नहीं है, रॉकेट लॉन्चर तक से इन लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। गाइस मैं उस विलेज से फाइनली निकल चुका हूँ, सारे के सारे लोगों से मुझे छुटकारा मिल चुका है, बहुत ज्यादा वियर्ड लोग थे वो। और गाइस यहाँ पर मुझे ये वाला घर दिखा जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत के अंदर है, मुझे लगता है गाइस यार इन विलेज वालों ने इस घर की हालत करी होगी। एक काम करता हूँ गाइस, इस घर के अंदर सिंचन पिचन चौप को देखने के लिए जाता हूँ, हो सकता है गाइस सिंचन पिचन चौप माइकल की फैमिली ट्रेवर किसी ने किसी को पर छुपाया हो, अंदर से पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है ऐसी मेरे को। हेलो देखो गाइस तुम लोग ध्यान से, सिंचन शायद सिंचन, हाँ गाइस देखो तुम लोग मिरर में तुम लोगों को सिंचन दिख रहा होगा, अरे सिंचन मैं आ गया मेरे भाई, लेट्स गो। ओह भाई साहब लेट्स गो, पर चलता हूँ भाई साहब, यार लिटरली क्या हालत कर दी इस घर की विलेज वालों ने, पूरा तोड़फोड़ मचा दिए। और देखो सिंचन यहाँ पे, सिंचन में आ गया मेरे भाई, अरे फकिन भैया मुझे पता था तो मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे यार। हाँ सिंचन आता तुझे बचाने के लिए तो डेफिनेटली मैं आता, तुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता था मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के वर्ल्ड के अंदर। अब सिंचन यहाँ पर मैंने तुझे तो बचा लिया, बट अभी मुझे पिंचन चॉप माइकल की फैमिली माइकल ट्रेवर उन सबको बचाना है।
इसलिए सिंचैन अभी तुझे वापस लॉस सेंटोस जाना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ सबको बचाने के लिए। अरे फैकिन भैया, लेकिन यार मैं जाऊँगा कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। सिंचैन तू टेंशन ना ले, मेरे पास पोर्टल ओपन करने वाली गन है, तू उस पोर्टल से चला जाइयो, ठीक है? मैं अभी पोर्टल ओपन करता हूँ, एक मिनट रुक। फाइनली गाइस, यहाँ पर मैंने पोर्टल को ओपन कर दिया। जा सिंचैन इस पोर्टल से वापस लॉस सेंटोस अपने रियल वाले वर्ल्ड के अंदर जा, और मैं जा रहा हूँ सबको बचाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी गन है, मुझे पता है सर्वेंट डांसिंग लेडी के गाइस बहुत सारे चेलों से मेरी फाइट होने वाली है। अभी तो गाइस सर्वेंट डांसिंग लेडी के रियल वाले जो पावरफुल चेले ना इस वर्ल्ड के अंदर, उनसे मेरी अभी फाइट ही नहीं हुई। अभी तो खाली ऐसी लोकल से बंदे, लोकल सी सर्वेंट डांसिंग लेडी की आर्मी है, इनसे बचने में गाइस लिटरली मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। तो इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि ये मिशन ईजी नहीं होगा, बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, बट मुझे करना पड़ेगा। तो ठीक है सिंचैन, तू जा इस पोर्टल से वापस लॉस सेंटोस अपने रियल वाले वर्ल्ड के अंदर, मैं जा रहा हूँ सबको बचाने के लिए। अरे फैकन भैया यार, मैं भी चलूंगा यार, मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ सकता हूँ? सिंचैन तुझसे मैं जो कह रहा हूँ तो वो कर, तो जा पोर्टल के अंदर, मैं सबको बचा के वापस लेकर आ जाऊंगा, तुझे मुझ पे भरोसा है ना? अरे फैकिन भैया भरोसा तो पूरा यार। ठीक है तो सिंचैन, ज्यादा मत सोच, फटाफट इस पोर्टल से घर पे निकल ले। ठीक है फैकिन भैया, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ यार। आ चुका हूँ गाइस मैं इस घर से बाहर, और सिंचैन अभी तक पोर्टल से वापस लॉस सेंटोस जा चुका होगा, और अब टाइम आ चुका है गाइस सिंचैन चॉप माइकल की फैमिली ट्रेवर सबको बचाने का। लेट्स गो। भाई साहब, ये मेरे को एकदम से टेलीपोर्ट हो गया। हेलो, मैं तो उस विलेज के अंदर था। अबे भाई, ये मेरे का टेलीपोर्ट के वापस लॉस सेंटोस आ गया क्या? हेलो भाई, हेलो, ये कौन है भाई? ये तो बिल्कुल सेम डेविल बॉस की तरह लग रहा है पुराने वाले। बट गाइस यार, डेविल बॉस का फेस तो रेड कलर का होता है, बट ये ब्लैक कलर का फेस है इसका, वो इसकी आईज रेड हैं। गाइस तुम लोग देखो इस वाले डेविल बॉस की कितनी ज़्यादा खतरनाक शक्ल है भाई, रेड आईज और साथ ही ब्लैक चेहरा पूरा, और सींग भी निकलने, बहुत खतरनाक लग रहा है। तो मेरे को निकलना चाहिए यहाँ से। लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे, कोई होगा मैं ठोक दूंगा। पीछे हो जाओ सबके सब, इस ये वाले रूम के अंदर जाना है क्या? ये रूम तो गाइस लॉक पड़ा है, आई थिंक मेरे को यहाँ जाना होगा, बट ये रूम भी लॉक पड़ा है। अबे मैं इस घर के अंदर फंस गया क्या? इस पोर्टल का यूज करके शायद मैं इस डोर को ओपन कर सकता हूँ, आई डोंट नो, चेक करता हूँ। ओपे डेविल बॉस ब्लैक वाले, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, निकल यहाँ से भाई, डरा दिया, मैं कहाँ टेलीपोर्ट हो गया एकदम से। ओपे मरा नहीं तू, तेरी भैंस के, निकल यहाँ से, मर जा, कितनी गोली मारो, मरता क्यों नहीं है तू? लिटरली डरा दिया, पता नहीं भाई एकदम से यार, मैं कहाँ टेलीपोर्ट हो गया, यहाँ पे तो कोई डोर भी नहीं है, मैं तो गाइस डोर के पास था। यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस सेंटोस के अंदर? वेट, मैं लॉस सेंटोस के अंदर कहूँ गाइस, मैं तो अभी सर्बियन डांसिंग लेडी के वर्ल्ड के अंदर हूँ। गाइस यार, यहाँ पर तुम लोग मेरी हालत देख रहे हो, क्या हो चुकी है भाई, इसने एकदम से भाई मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डरा दिया भाई, लिटरली मेरे सीने पे इन्हें शॉट गन मारी है। वो तो अच्छा है, सही टाइम पे मैंने भाई इसके सर पे गोली मार के इसको ख़त्म कर दिया। लेट्स गो, अब किधर जाना है भाई? ऊपर भी रास्ता नहीं है, इधर भी रास्ता नहीं है भाई, किधर जाऊँ? मेरे को किधर फंसा दिया है तुमने? अभी ये क्या हुआ? हेलो गाइस, मैं आप ही अभी टेलीपोर्ट हुआ, बट वेट, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे काफी सारे स्मोक आ गया, पता नहीं कहाँ से, और ये बंदा कौन है? ये तो कहीं से भी ब्लैक वाला डेविल बॉस नहीं लग रहा, और यहाँ पे बहुत सारा ब्लड है। शायद गाइस ये जो सर्कल टाइप की चीज है, ये पोर्टल है, शायद मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट्स गो, बढ़ते आगे। वेट, ये क्या बला है, ये क्या बला है भाई? अबे क्या है ये, किस तरीके का जानवर, इंसान क्या है? मैं तेरे सारे सर पे गोली मारूंगा। गाइस ये इंसान भी था, पिग भी था, दोनों एक साथ मिल गए थे। अब पता नहीं क्या सीन है, किस तरीके के लोग हैं भाई इस वर्ल्ड के अंदर। लेट्स गो, हम लोग निकलते हैं आगे। वेट, ये मैं बाहर आ गया घर से, मैं शायद इस घर के अंदर था, और इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा अजीब सी। चलो फाइनली इस घर से बाहर आ चुका हूँ, और तुम लोग ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे रेड वाले डेविल बॉस घूम रहे हैं, देखो शायद इनकी सोल्स हैं। देखो गाइस तुम लोग देखो, सही से दिखाई नहीं दे रहे, रेड ही नहीं बल्कि ब्लैक। और ये कौन औरत आ रही है मेरे पास, और इसके पास ये किस तरीके का वेपन है, और इसका फेस कितना ज्यादा अजीब है, पता नहीं इन्हें मास्क पहन रखा है। पीछे हो जाए मेरे से, मैं तेरे सरे सर पे गोली मारूंगा नुबड़ी की। मेरे को लगता है गाइस मेरे को फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए, फटाफट निकलो यहाँ से, सारे के सारे मेरे को छोड़ेंगे नहीं। लेट्स गो गाइस, निकलते हैं यहाँ से। ये लड़की तो मेरे पीछे करे आ रही, क्या हो गया तुझे? मैं तेरे सरे सर पे गोली मारूंगा नुबड़ी की, बट इसको कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा भाई। निकलो यहाँ से गाइस, लेट्स गो, निकलो यहाँ से गाइस। यहाँ पर अब मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत है गाइस, इतने ज्यादा बड़े वर्ल्ड के अंदर मैं किधर भाई किधर ढूंढूंगा सिंचैन माइकल की फैमिली ट्रेवर को? वो तो गाइस यार तुक्के से मेरे को सिंचैन मिल गया, मैं उस घर के अंदर चला गया, अगर मैं घर के अंदर नहीं जाता तो गाइस मैं अभी भी सिंचैन को ढूंढ रहा होता। अब गाइस यहाँ पर मुझे सीरियसली तुम लोगों की मदद की जरूरत है, इसलिए फटाफट गाइस यार तुम लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट में भाई कमेंट में फटाफट लिख दो लोकेशन तुम्हारे, ये करने से गाइस मेरे मोबाइल फोन के अंदर लोकेशन आ जाएगी, किसी ना किसी की तो लोकेशन आ जाएगी।
गाइस इस वाले ब्रिज को क्रॉस करने से पहले पहले तुम लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में लोकेशन लिखना होगा। मैं वेट कर रहा हूँ, 2 मिनट जल्दी से करो गाइस, फटाफट करो, मुझे लोकेशन की जरूरत है। तुम लोग फटाफट अपना सपोर्ट दिखाओ गाइस, फटाफट सपोर्ट दिखाओ। हाँ गाइस आ चुकी है लोकेशन, थैंक यू तुम सारे लोगों का जिसने भाई मेरे को सपोर्ट दिखाया, वीडियो को लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब करा और कमेंट में लोकेशन लिखा। गाइस लोकेशन मेरे को मिली है पिंचन की, थैंक यू तुम लोगों का यार। अब फटाफट चलते हैं गाइस पिंचन को बचाने के लिए। गन्स की तो कोई कमी नहीं है, देखो मेरे पास बहुत सारी गन्स है गाइस, बस दिक्कत तो यह है ना कि इन गन्स का उन पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है भाई, मैं मार मार के थक जाता हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा देर में मरते हैं और कुछ तो भाई मरते ही नहीं। गाइस लोकेशन के हिसाब से पिंचन इधर ही किधर है, और भाई ये क्या बला है, हेलो भाई ये क्या भाई, ये किस तरीके का जानवर है, इंसान है क्या ये, गोरिल्ला कैसा गोरिल्ला है भाई, बाल वाल नहीं काटे क्या इसने भाई, पीछे हो जा मैं गोली मार दूंगा, पीछे हो जा कुछ नहीं हो रहा भाई गोली मारने से, देखो मैं गोली मार रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा भाई, इस देखो उसकी गर्दन नीचे उतर गई, अब ये किधर आ गया, मैं टेलीपोर्ट हो गया एकदम से, किधर टेलीपोर्ट हो गया। तुम लोग कहीं ध्यान से देखो ये लोग कौन है, फिर पिस्तौल निकालता है उनका तो भूत बनाता हूँ, कौन है ये लोग, मेरे को लगता है मेरे पे अटैक करेंगे। और यहाँ पे गाइस सामने एक पोर्टल है, तुम लोग देखो, आई थिंक गाइस पिंचन तक पहुँचने के लिए मेरे को इन सबको हराना होगा, मैं तुम लोगों से डरूंगा नहीं गाइस। देखो यहाँ पर एक बंदे ने चाकू निकाल लिया और बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा बड़ा चाकू है, पट्टे से खा, एक मिनट कुछ नहीं हो रहा भाई, गन निकाल लो चुपचाप, हम गन निकाल लो, आ जाओ तुम लोगों को बताता हूँ, आ जाओ निकल यहाँ से, सॉरी सर पे गोली निकाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा बेटे, तुम लोग मेरे को भी सही से जानते नहीं हो, सबको मारूंगा, निकल यहाँ से, सर ही सर पे गोली मारूंगा गाइस। देखो हाथ पैर पे मारने से कुछ फायदा नहीं है, इनका सिर्फ सर पे गोली मार के इनकी मुंडी उड़ाऊंगा जब ये लोग मरेंगे। अबे मरता क्यों नहीं, निकल यहाँ से, उसके सर पे गोली मारी, ये नहीं उठने वाला, निकल यहाँ से, ये भी गया, एंड तेरी बारी, हाँ खड़े होकर तमाशा देख रहा है, निकल यहाँ से, हाथ पे मारी गोली इसके, खड़ा हो गया, इसी हाथ से तूने अभी तक चाकू पकड़ रखा है, निकल यहाँ से, भाई सर पे गोली मारे बिल्कुल मुँह पे गाइस, इन बंदों ने बेचारी इस लड़की को मार दिया। चलो चलते हैं गाइस इस पोर्टल से, देखते हैं कहाँ टेलीपोर्ट होते हैं हम लोग, लेट्स गो। और यो भाई ये कौन है भाई, ये तो उससे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, पीछे हो जा तुम सबको उड़ा दूंगा मैं, पीछे हो जा भाई साहब, ये तो लिटरली गन तक मार रहे हैं, निकल यहाँ से, हाँ तुम्हारी तो, निकल यहाँ से भाई, लिटरली गन चलाने तक की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे नाइफ मारेगा, अबे भाई पीछे से नाइफ मार दिया इसने, लिटरली बड़ी भरके लगी है, अबे ये तो घेर के मार रहे हैं मेरे को, गन कौन मार रहा है, अबे भाई अरे पता नहीं गाइस कौन कहाँ से गन मार रहा है, और ये सारे के सारे लोग भाई मेरे पर अटैक कर रहे हैं अंधाधुन, मेरे को लगता है गाइस मेरे को खतरनाक वाली गन निकालनी पड़ेगी, अबे भाई प्लीज यार, मैंने गाइस यार यहाँ पे मशीन गन निकाली है, सबको एक ही बारी में उड़ा दूंगा, निकलो यहाँ से भाई, जो सामने आएगा मैं सबको उड़ा दूंगा, लिटरली पीछे हो जाओ तुम सारे के सारे लोग, निकलो यहाँ से पीछे हो जाओ पे भाई, मर जाओ, कितने सारे लोग हैं, मैं एक साथ किसी पे एम भी तो नहीं कर पा रहा हूँ, निकल यहाँ से एक साथ सबकी एंट्री आएगी, अबे भाई चाकू मार रहा है, साइड से चाकू मार रहा है, लग गई यार, अरे लग गई भाई, सॉरी सर पे मार रहे हैं तो, अबे मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, निकल यहाँ से उड़ा दिया इस बंदे को भाई, बचियो चाकू मार रहे हैं सारे के सारे लोग, बचो को नहीं तुम लोग मेरे हाथ से, तुम लोग अभी मेरे को जानते नहीं, मेरा नाम फ्रैंकलिन है, सबको पेल दूंगा, निकल यहाँ से, जो लोग गन से नहीं मरेंगे वो बचियो, चाकू मारा था ये, मार चाकू मारेगा तेरी, मेरे चाकू मारेगा पीछे से चाकू मारते हैं भाई, गन स्विच कर लेता हूँ उसमें, हमें रिलोड करनी पड़ेगी और भाई रिलोड करने में बहुत टाइम लगता है, तो चाकू पे चाकू मार रहे हैं, निकलो यहाँ से। अभी गाइस टाइम आ चुका है इन लोगों का सीधा मुंडी उड़ाने का, मैंने निकाल लिए शॉर्ट गन, निकल यहाँ से, अबे रुक जा, शॉर्ट गन से सीधे इनके सर पे एम करूंगा, सर गया, देखो इस बंदे का सर गया, अबे भाई साहब मार दिया बचिया, तुम्हारा भाई ने देख रहे हो कहाँ से टॉर्च कराया, निकल यहाँ से तू खा, एंड अब बार ये तेरी, तू भी निकल यहाँ से, बच गया, अभी इनमें से किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं गाइस यार, अब मुझे आ रहा है गुस्सा, निकल यहाँ से, एंड तू निकल यहाँ से, रुक जा इसकी सीधा मुंडी उड़ाऊंगा, मुंडी उड़ा दी, अरे यार उसकी मुंडी तो उड़ा दी, लेकिन ये बंदा भाई मेरी मुंडी उड़ाने के चक्कर में, तेरी तो इधर आ, निकल यहाँ से, इसकी मुंडी उड़ाऊंगा, आ जा निकल यहाँ से, मुंडी उड़ा दी, मुंडी नहीं उड़ी भाई, मुंडी इतनी आसानी से नहीं उड़ी गई शॉर्ट गन के बावजूद भी, अबे यार मर जाओ ना प्लीज़, मर नहीं रहे गाइस, इतनी आसानी से मर नहीं रहे, मेरे मारेगा, निकल यहाँ से, इसकी सीधा मुंडी उड़ाऊंगा, मुंडी दिखा, प्यार से मुंडी उड़ा दी, हाँ तेरी, निकल यहाँ से, इसकी मुंडी उड़ाता हूँ, ऐसे करता हूँ, हाँ निकल यहाँ से, पहले इसको गिराया, फिर आराम से मुंडी उड़ा दी, पहले इनको गिराया फिर इनकी आराम से मुंडी उड़ाऊंगा, रुक जाओ, निकल यहाँ से, मुंडी उड़ा दी, निकल यहाँ से,
भाई देख रहे हो इतने सारे बंदे को एक साथ कौन हैंडल कर सकता है, तुम्हारा भाई कर सकता है हैंडल। थोड़ा सा दूर जाता हूँ, चलो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सा दूर आ चुका हूँ। मुंडी उड़ा दी, अबे यार एम चोक हो गया यार, मार दिया इन्हें। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, बस दो बंदे रह गए, एक बंदे को उड़ा दिया एंड निकल यहाँ से। सबसे पहले इसको गिराया एंड बहुत बढ़िया। अबे मुंडी नहीं उड़ रही इसकी, उठेगा तो नहीं है, चलो उठेगा तो नहीं। हाँ फाइनली गाइस यार, बहुत ज्यादा फाइट करने के बाद यहाँ पे मैंने इन सबको उड़ा दिया। देख रहे हो भाई लास्ट में भी चाह दिए तुम्हारे भाई ने यहाँ पे सर्वियन डांसिंग लेडी के वर्ल्ड के अंदर आके। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर भी गाइस कुछ बंदे हैं जो मेरे को मार रहे थे। अबे कौन कर मार रहा है, इनके पास तो गन ही नहीं, और किस तरीके के लोग हैं गाइस। अबे ये रहा बंदा, अबे मेरे पास क्यों आ रहा भाई। अबे अबे ये मैं किधर आ गया भाई, ये मैं किधर आ गया। अबे क्या हो रहा है भाई, कहाँ से कहाँ टेलीपोर्ट हो रहा हूँ, खुद ही खुद भाई कहाँ से कहाँ टेलीपोर्ट हो रहा हूँ। आग लग रही मेरे अंदर, पता नहीं क्या सीन हो रहा है गाइस मेरे साथ। लेट्स गो लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे। कोने में उड़ा दूंगा सबको, उड़ा दूंगा भाई। लेट्स गो लेट्स गो, चलते हैं ऊपर। ऊपर कोई है क्या गाइस? मेरे को पिंचन की लोकेशन एग्जैक्टली नहीं पता है, बस गाइस इतना पता है कि पिंचन इधर ही किधर है, बट ये नहीं पता कि एग्जैक्टली किधर है। और वेट गाइस, सामने मेरे को कुछ बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने स्नाइपर निकाल लिए। हेलो गाइस, इन लोगों ने वही मास्क पहन रखा जो उन बंदों ने पहन रखा था जो मेरे को रूम के अंदर मारने की कोशिश कर रहे थे, बट तुम्हारे भाई ने उनका बहुत बढ़ दिया। और इस बंदे ने भी गाइस मेरी तरफ एम ले रखा है। निकल यहाँ से पट्टा से हेडशॉट, और तू क्या खड़ा है, तू भी निकल, दोनों के पट्टा से हेडशॉट। भाई स्नाइपर की गोली खा ली तब भी उठ रहा है, अबे किस तरीके की पावर है, गन मार रहा है इतनी दूर से मेरे। निकल यहाँ से, कुछ हो क्यों नहीं रहा इसको, खड़ा पट्टा से हेडशॉट भाई साहब। एंड तू भी निकल यहाँ से, कितनी कितनी गोली पे मारोगे सर, मुंडी उड़ा दी तेरी, तू भी निकल। इसकी मुंडी नहीं उड़ी, मतलब ये मरा नहीं है, मुंडी उड़ाऊंगा तेरी। रुक जा आ जा बेटा, एक बार सही से दिखा दो सही अपनी मुंडी, जैसे उस बंदे की मुंडी उड़ाई तेरी भी उड़ाऊंगा। निकल यहाँ से। फाइनली गाइस यहाँ पर तुम लोग देखो, मैंने इन दोनों को ख़त्म कर दिया है। ये लोग नीचे ज़मीन में लेट चुके हैं इसलिए तुम लोगों को दिख नहीं रहे होंगे। और अब गाइस टाइम आ चुका है पिंचन को ढूंढने का इधर। और यार लिटरली गाइस यार यहाँ पे कोई भी मेरे को नहीं दिख रहा, और पिंचन को मैं कहाँ भाई इतने बड़े रेलवे स्टेशन पर ढूंढूंगा। अब बस गाइस यहाँ पर मुझे पिंचन को ढूंढना है। लेट्स गो, देखते हैं पिंचन कहाँ है अपना। अबे यार पिंचन किधर है यार। अब गाइस बस मुझे पिंचन को ढूंढना है यहाँ पर, बट इतना ज्यादा इजी नहीं होगा। तुम लोग गाइस फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा ये करने से गाइस मेरे को पिंचन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी। यस गाइस एग्जैक्ट लोकेशन, तो इसलिए फटाफट करो। जिसने अभी तक नहीं कराया भाई फटाफट कर दो। और अगर गाइस तुम लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक कर रखा है, तो दोबारा से कमेंट में लिख दो लोकेशन, फटाफट लिख दो गाइस, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से फटाफट लिख दो गाइस। तुम में से काफी सारे लोगों ने मुझे अपना सपोर्ट दिखाया, इस वजह से गाइस मेरे को पिंचन की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग चुकी है। और गाइस एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से पिंचन इधर के साइड को है, और काफी ज्यादा क्लोज है। देखता हूँ पिंचन को इधर, और वेट ये रहा अपना पिंचन। ये तो गाइस सरप्राइज आएगा मेरे को देख के, पिंचन मैं आ चुका हूँ मेरे भाई। अरे फैकिन भैया तुम यार आ गए, मुझे पता था तुम आओगे यार। हाँ पिंचन तुझे ऐसे अकेले अकेले छोड़ सकता था मैं यार, आखिर तू मेरा भाई है। अरे फैकिन भैया सिंचन भाई और चॉप को बचा ले के तुमने। पिंचन मैंने अभी तक सिंचन को तो बचा लिया, बट मुझे अभी तक चॉप के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा है, तो उसको भी ढूंढ लूंगा। लेकिन सबसे पहले तू एक काम कर, तू फटाफट वापस लॉस सेंटोस में जा, हमारे रियल वाले वर्ल्ड के अंदर। मैं पोर्टल ओपन करता हूँ, सिंचन तेरा वेट कर रहा है। अरे फैकिन भैया मैं तुम्हें अकेले अकेले छोड़ सकता हूँ यार। पिंचन देख, सिंचन तो चला गया था क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था कि मैं सबको रेस्क्यू करके वापस लेकर आ जाऊंगा, तो इसलिए तू टेंशन मत ले। तू मैं पोर्टल ओपन कर रहा हूँ, तू उस पोर्टल से फटाफट लॉस सेंटोस में जा। अरे यार ठीक है फैकिन भैया, यार अगर ऐसी बात है तो ठीक है पोर्टल ओपन करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन यार तुम अपना ध्यान रखना। हाँ पिंचन तो टेंशन ना ले, मैं अपना ध्यान रखूंगा। इस वर्ल्ड के अंदर सर्वियन डांसिंग लेडी के जितने भी चेहरे मैं सबको मार के सबको रेस्क्यू कर लूंगा। सिंचन पिंचन को तो मैंने गाइस यहाँ पे अब ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है, अब बस चॉप माइकल की फैमिली और ट्रेवर बचे उनको भी कर लेंगे हम लोग। पिंचन यहाँ पर मैंने पोर्टल को ओपन कर दिया है, मेरे एग्जैक्टली पीछे पोर्टल है, तू फटाफट इस पोर्टल से जा वापस लॉस सेंटोस, मैं जा रहा हूँ और बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। सो निकलते हैं गाइस हम लोग यहाँ से फटाफट। अब सबसे पहले चॉप को बचाना होगा हम लोगों को, चॉप की लोकेशन को ढूंढना होगा। पिंचन और सिंचन तो वापस लॉस सेंटोस जा चुके हैं। गाइस इस सोसाइटी के अंदर सर्वियन डांसिंग लेडी की जोकर आर्मी ने कब्जा कर रखा है, और इस ही सोसाइटी के अंदर अपना चॉप को भी छुपा रखा है उन लोगों ने। लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने एम ले रखा है, मैं सीधे सर पे गोली मारूंगा जो भी मेरे को सामने दिखेगा। गाइस तुम लोग सामने देखो, मेरे को एक बंदा दिख रहा है, शायद इसने मुझे देख लिया क्या, नहीं अभी तक तो नहीं देखा। सबसे पहले तो गाइस मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों से ना लड़ूं, अगर मेरे को चॉप मिल जाएगा तो मैं उसको फटाफट पोर्टल से वापस लॉस सेंटोस भेज दूंगा। बट गाइस मुझे पता है ये लोग मेरे को इतनी आराम से चॉप को वापस लॉस सेंटोस तो भेजने देंगे नहीं, बट तुम्हारा भाई क्या डरता है किसी से। लेट्स गो, बढ़ते हैं आगे। और अगर कोई सामने आएगा मैं सीधा सर पे गोली मारने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने एम ले रखा है। लेट्स गो गाइस, बढ़ते हैं आगे। और शायद इस रूम के अंदर चॉप है का, ओ वेट
भाई एक मिनट, ये बंदा सो रहा है शायद गाइस, ये डेफिनेटली जोकर आर्मी का मेंबर होगा। भाई सॉरी मैं तुझे मारना तो नहीं चाह रहा था। हाँ भाई चाचा क्या हाल चाल है, लो गोली खाओ, निकलो यहाँ से। फेल दिया इसको, अब जो आएगा मैं सीधा सर पे गोली मारने वाला हूँ। एंड वेट, यहाँ पे कुछ बंदे नहीं भाई, बहुत सारे बंदे हैं, सबको मारूंगा। तुम्हारी भैंस की, निकलो यहाँ से। आने दो इनको गाइस, इनको छोड़ूंगे नहीं। बस बहुत हुआ पिस्तौल से लड़ना, अब मैं निकालता हूँ मशीन गन। सही में गाइस यार यहाँ पे मैंने मशीन गन निकाल ली है, मैं इनके सीधे सर सर पे गोली मारने वाला हूँ। कहाँ गए ये लोग, आओ आओ सामने आओ, तुम्हें बताता हूँ। और ये बंदा क्या नशे वशे में क्या, कहाँ गए वो बंदे, अभी तो यहीं पे थे, इधर गए। बेटा बचोगे नहीं कि, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम लोग मेरे हाथ से बच जाओगे, छुपके मुझे मार दोगे, तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है। कोई शायद पीछे से मार रहा है, कौन मार रहा है ये, हेलो। अच्छा ये रहा बंदा, ये रहा, देखो गाइस कितने सारे लोग हैं, लेकिन सब तो तू खड़ा हो गया, निकल यहाँ से। क्या सॉरी सर पे गोली मार रही है इसके, मैंने रुक जाओ गाइस यार, इनको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्नाइपर निकालता हूँ, आओ तुम्हें बताता हूँ। हाँ किधर किधर बढ़ रहा है ब्रो, ले पट्टो से हेडशॉट, चलते चलते भाई रनिंग है, हेडशॉट, एक और हेडशॉट, निकलो यहाँ से। और ये बना था पुलिस का, बच गया भाई, एम चूक हो गया मेरा यहाँ पे। एंड लेट्स गो, सर पे गोली तो मारी बट गाइस उसने कवर ले रखा है पुलिस का। निकल यहाँ से, रुक जाओ बच गया, निकल यहाँ से। एंड अबे बच गया, रुक जाओ, निकल, बच गया गाइस, बच गया, लिटरली बच गया। नीचे चुको नीचे चुको, अभी सबसे पहले इन लोगों को गाइस फायर करने ना, रुक गए, निकल यहाँ से, पट्टा से हेडशॉट, बच गया। गाइस क्लोज आ रहे हैं, निकल यहाँ से, पट्टा से हेडशॉट, भाई खून की नदी बहा दी तुम्हारे भाई ने इन लोगों की, निकल यहाँ से। एक बंदा गाइस आ रहा है, आ जा बेटा आ जा, पिस्तौल निकाल लिए मैंने, आ जा बेटा, तेरा भूतना बना दिया ना, मेरा नाम भी फ्रैंकलिन ही, ये रहा, आ जा, निकल यहाँ से, सारी सर पे गोली मारूंगा, पेल दिया गाइस इसको मैंने, आ जा, मरा नहीं तू, इतनी गोली मारूं। ओबे ये ऊपर कौन सा हो गया, तुम्हारी तो जोकर आर्मी, तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये जोकर आर्मी का लीडर है, मैं इसके सर पे गोली मार, ओबे कवच ले रखा है पुलिस का, बार बार कवच की वजह से बच जाता है। सर दिखा नूबड़ी के, हल्का सा दिख तो रहा, निकल, रुक जा भाई, सर पे गोली मारी है बट इसको कुछ नहीं हो रहा, मेरा एम एक तो चूक हो रहा है इस पे, निकल यहां से। भाई सर पे गोली मारी, तुम लोग देख लो गाइस, मैं इसके सर पे गोली मार दिया फाइनली, लगता है गाइस मैं, एक मिनट अभी एक और बंदा है, मुझे लगा था मैंने पूरी जोकर आदमी को मार दिया, कोई तो यहाँ पे इधर किधर से मेरे को मार रहा है। कौन है भाई सामने है, तेरे को बताता हूँ फिर मैं, हेलो कौन है, कोई इधर ही किधर से मार रहा है गाइस, कौन है सामने आना। वेल तो मैंने अच्छे से गाइस यहाँ पे जूम करके देख लिया, मेरे को कोई नहीं दिखाया अभी तक, तो भी बढ़ के, अच्छा तो तू है, हाँ तो ये रहा, निकल यहाँ से, सर पे गोली, क्यों चित हो गया कि बारी में खड़ा हो, अब खड़ा हो गया भाई, मानना पड़ेगा, एम चूक हो गया मेरा, आ जा, निकल यहाँ से भाई, सर पे गोली गाइस, यहाँ पर एक चूहा है, चूहा, अबे चूहे को मार दिया मैंने, अबे तेरी तो, निकल यहाँ से, सारी सर पे गोली भाई, यार से क्या पेला है इनको, अभी खड़ा नहीं हो पाएगा, डेफिनेटली खड़ा नहीं हो पाएगा। और हाँ मार दिया गाइस, फाइनली मैंने उसको भी मार दिया गाइस, मैं यहाँ पे नीचे आ चुका हूँ, और एक बंदा नीचे से मेरे को मार रहा था, देखो कोई तो मार रहा है, कौन है ये रहा नूबड़ी के, निकल यहाँ से, सारी सर पे गोली, तुम लोग देख रहे हो भाई क्या सारी सर पे गोली मार रहा हूँ मैंने इन सारे के सारे बंदों को, मैं अबे क्या हो रहा है, तो हिल क्यों रहा है गाइस, मैं कह रहा था कि मैंने जोकर आर्मी को ज़्यादातर हेडशॉट ही मारे, पूरी जोकर आर्मी को मार दिया है, वो अभी सर्वियन डांसिंग लेडी के वर्ल्ड के अंदर आके। मेरे पास कोई पावर्स नहीं है बट तुम्हारे भाई के पास गाइस स्किल्स हैं, वो है गाइस गन्स चलाने की स्किल। गाइस मैंने पूरी की पूरी जोकर आर्मी को मार दिया बट मुझे अभी तक गाइस यहाँ पे चॉप नहीं दिखा, दिख गया चॉप, ये रहा चॉप, हेलो भाई चॉप, ये रहा, फटाफट अंदर जाता हूँ, चॉप मेरी आवाज़ आ रही तुझे, चॉप कुछ बोल भाई साहब, यार हालत ख़राब हो रही है। अबे यार गाइस चॉप की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं काम करता हूँ फटाफट इसको पोर्टल से लॉस सेंटोस भेजता हूँ। फाइनली गाइस यार बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है सिंचन पिंचन के बाद, अब मैंने फाइनली चॉप को भी वापस लॉस सेंटोस भेज दिया है। और गाइस अब टाइम आ चुका है माइकल ट्रेवर और माइकल की पूरी फैमिली को रेस्क्यू करने का, बस और उसके बाद मैं भी फाइनली लॉस सेंटोस वापस चले आऊँगा। अबे भाई साहब ये मैं किधर टेलीपोर्ट हो गया, यहाँ पे इतने धमाके कैसे हो रहे, ओपे जोकर आर्मी, ओपे भाई ये मैं किधर टेलीपोर्ट हो गया एकदम से, और यहाँ पे जोकर आर्मी कहाँ से आ गए भाई, उड़ा दूंगा सबको, मेरे से पीछे हो जाओ भाई, यहाँ पे तो गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट हो रही है, लोग देखो कितने सारे लोग हैं, तो कितने ज़्यादा अजीब हैं सारे के सारे, मैं तुम सबको उड़ा दूंगा गाइस, मैं यहाँ पे सबको मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा भाई, तीन बंदों को यहाँ पे मैंने 2 मिनट के अंदर पेल दिया, और ये बंदा आ रहा है मेरे पास, मार दिया इसको भी, मार दिया गाइस इसके भी, सीधे सर पे गोली मारी तेरी, निकल यहाँ से। ओबे तू कौन है भाई, पीछे हो जा मैं तेरे सर पे गोली मारूंगा, पता नहीं किस तरीके का आदमी था ये, ओए भालू पीछे हो जा, निकल यहाँ से भाई, सीधे सर पे गोली मारूंगा भाई, इतनी ज़्यादा पावरफुल गन लेकर आया था मैं लॉस सेंटोस से, इतने ज़्यादा खतरनाक लोगों को यूँ ही मार देता हूँ। लड़ो भाई आपस में लड़ो, मैं तुमसे लड़ ही नहीं रहा, आपस में लड़के मर जा खुद ही, लेट्स गो बढ़ते हैं आगे, अगर कोई और बच्चा है तो बताओ, यहाँ पे गाइस 2 लड़की बची हैं और ये 2 लड़की मेरे पे अटैक तो नहीं कर रही गाइस, तुम लोग देखो ये लड़की मुझे देखे आ रही है, मैं अगर मुड़ जाऊँगा तो पूरा अपनी गर्दन ही मेरी तरफ कर लेती है,
नुबड़ी की मारना चाह रही ना, लेकिन तेरी हरकतों की वजह से मुझे तुझे मारना पड़ेगा। निकल यहाँ से, उड़ा दी मुंडी, और जोकर तू भी निकल। हाँ भाई चचा, क्या हाल चाल है? चचा ने चची क्या ही हाल चाल होंगे गाइस, मैं इसको मारने वाला हूँ। निकल यहाँ से, फेल दिया एक ही गोली के अंदर। मरी नहीं नुबड़ी की, तू ऐसे नहीं मरेगी। हाँ मरेगी नहीं तू, तेरी तो। निकल यहाँ से, क्या मुँह पे गन मार रही है? अब जोकर के साथ जल के मर जा। देख रहे हो गाइस यार, यहाँ पर तुम्हारे भाई ने 2 मिनट के अंदर क्या आतंक मचाया, सारे के सारे लोगों को मार दिया। भाई ज़्यादातर लोगों को तो मैंने खुद मारा है। गाइस मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, माइकल और माइकल की पूरी फैमिली की लोकेशन यही है। मतलब गाइस इस ही बिल्डिंग के अंदर माइकल और माइकल की पूरी फैमिली है। और गाइस अब हमारा मिशन है इस बिल्डिंग के अंदर माइकल और माइकल की पूरी फैमिली को ढूंढना। बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इतना ईजी नहीं होगा, बट हम लोग ढूंढ लेंगे गाइस। लेट्स गो, हम लोगों ने सिंचन पिचन जो अब तीनों को पहले ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया है तो इनको भी कर लेंगे। गाइस यहाँ पे एक डोर है, क्योंकि आगे तो मेरे हिसाब से कोई रास्ता है नहीं, आगे ब्लॉक हो जाता है रास्ता, तो शायद हम लोगों को इधर ही जाना पड़ेगा। लेट्स गो बढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं इस वाले डोर के अंदर। आई थिंक हम लोगों को शायद इस वाले डोर के अंदर माइकल और माइकल की पूरी फैमिली मिल जाए। लेट्स सी, चलते हैं अंदर। गाइस मैंने इस डोर को बहुत ज़्यादा ओपन करने की कोशिश करी, बट गाइस ये डोर ओपन नहीं हुआ, इसलिए गाइस यार मैंने डोर ही तोड़ दिया अपनी गन से। लेट्स गो बढ़ते हैं आगे। और वेट, फाइनली गाइस यहाँ पर तुम लोग देखो, हम लोगों को माइकल भी मिल चुका है और माइकल की पूरी फैमिली भी मिल चुकी है। अब फटाफट गाइस यहाँ पर मैं पोर्टल ओपन करके इन सारे के सारे लोगों को लॉस सेंटोस में भेजता हूँ वापस से। और फिर गाइस हम लोगों को बस ट्रेवर को रेस्क्यू करना है और उसको भी लॉस सेंटोस भेजना है, और फिर हम लोग खुद जाएंगे। और सर्वेंट डांसिंग लेडी का तो गाइस अभी तक आई होप खेल खत्म कर दिया हो गोगो ने, क्योंकि गोगो बहुत ज्यादा गुस्से में था। अब माइकल यहाँ पर मैं पोर्टल ओपन कर रहा हूँ, तो अपनी फैमिली को लेके वापस लॉस सेंटोस जा। और बस अब मेरे को ट्रेवर को ढूंढना है, और एक बार ट्रेवर मिल जाए उसको भी रेस्क्यू करके फटाफट लॉस सेंटोस आ जाऊंगा मैं ट्रेवर के साथ ही। अरे फ्रैंकलिन, ट्रेवर तो हमारे साथ ही है। क्या तुम्हारे साथ है ट्रेवर? बट मुझे तो इधर, अबे ट्रेवर यहाँ पे का जो टपक पड़ा अभी तो यहाँ पे नहीं था। एक मिनट जाके चेक करता हूँ। अबे ट्रेवर यार तू यहाँ पे छुपका हुआ है? अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन, वो असल में थोड़ा सर दर्द हो रहा था तो इसलिए यहाँ पर आके बैठ गया था मैं। अरे ट्रेवर बस अब सारा सर दर्द खत्म हो चुका है, मैं फटाफट पोर्टल ओपन कर रहा हूँ। हम सारे के सारे लोग चलते हैं वापस लॉस सेंटोस। और सर्बियन डांसिंग लेडी का कोको नरूटो और क्रेटोस तीनों ने मिलकर अब तक गेम ओवर कर दिया होगा, तो इसलिए फटाफट तुम सारे के सारे लोग मेरे पीछे आओ। अरे अरे फ्रैंकलिन, अरे तुम पोर्टल ओपन करो। सो फाइनली गाइस यहाँ पर मैंने पोर्टल ओपन कर दिया है, और अब गाइस टाइम आ चुका है वापस लॉस सेंटोस जाने का। 1 2 3 एंड गाइस लेट्स गो, चलते सारे के सारे लोग। फाइनली गाइस यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ सबको पोर्टल से पार, सिंचन पिंचन चॉप माइकल, माइकल की पूरी फैमिली और साथ ही ट्रेवर को फाइनली। और अबे अरे इसको मारा नहीं तुम लोगों ने? अरे फ्रैंकलिन तुम तो अभी गए थे, अभी एकदम से ही वापस कैसे आ गए? ओ गाइस सब मैं यहाँ पर समझा, सर्बियन डांसिंग लेडी के वर्ल्ड का टाइम और हमारे वाले वर्ल्ड का टाइम बिल्कुल अलग है। वैसे तो गाइस यार मुझे 3-4 घंटे लगे इन सबको रेस्क्यू करने में, बट गाइस इस वाले वर्ल्ड के अंदर लिटरली अभी तक 1 मिनट भी नहीं हुआ था। चलो तो अब हम सबके सामने गोकू इस सर्बियन डांसिंग लेडी को चढ़ से खत्म कर दो। फ्रैंकलिन तूने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया, तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, लेकिन सबसे पहले मैं इस कोको को खत्म करती हूँ। बहुत बोला है ये कोको, तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, तेरी तो निकल यहाँ से। खया की लात के अंदर कितनी दूर? तुम्हें क्या लगा था कि वो गोगो मुझे हराएगा? ये की लात के अंदर कहाँ फेंका है? क्रेटोस और नारुतो तुम्हारे भी बारी आएगी, लेकिन पहले उस जरा गोगो को निपटा लूं। तुम सब की बारी आएगी, टेंशन मत लो। मुझे मारेगी हाँ सर्बियन डांसिंग लेडी? अरे छोड़ दे प्लीज गोगो, तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूँ जो तूने हमारे साथ करा है? आज सबका बदला लूंगा मैं, वो भी इन सबके सामने। बोल अब बोल सर्बियन डांसिंग लेडी, बोल। देख रहे हो गाइस यार, ये सर्बियन डांसिंग लेडी कितने चौड़ में गई थी जैसे गोकू को हरा देगी, लेकिन गोकू ने 1 मिनट के अंदर भाई लिटरली एक चाटा मारा था, सिर्फ एक चाटा के अंदर लिटरली भाई ढेर हो गई है। अरे अरे गोकू प्लीज मेरी गर्दन छोड़ दे, बड़ी तेज दब रही है। दबा रहा हूँ जब तो दब रही है सर्बियन डांसिंग लेडी, अभी तो देख क्या क्या दबाता हूँ। तुम सब लोग 2 मिनट यहाँ पर रुको, मैं जरा इसका गेम खत्म करके आता हूँ। सर्बियन डांसिंग लेडी तू इन सब लोगों के सामने मरेगी मेरे हाथ से, बचेगी नहीं तू मेरे हाथ से। देख मैं तुझे यहाँ से फेंकने वाला हूँ सर्बियन डांसिंग लेडी, तू तो गई, निकल यहाँ से। गाइस यहाँ पे गोकू को लगता है कि उसने सर्बियन डांसिंग लेडी को जान से मार दिया, बट गाइस थोड़ी ही देर के अंदर सर्बियन डांसिंग लेडी माउंट चिलियाट के बिल्कुल नीचे से फुल स्पीड में गोकू के पास आ रही होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। गाइस देखते ही देखते सर्बियन डांसिंग लेडी उड़ती उड़ती गोकू पे अटैक कर देती है, और उसके बाद गाइस गोकू को माउंट चिलियाट के बिल्कुल टॉप से नीचे फेंक देती है। गोकू इससे पहले संभलता, सर्बियन डांसिंग लेडी गोकू की गर्दन पकड़ के उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से नीचे जमीन पे
फेंक देती है। अब इससे पहले कि गाइस कोको अपने आप को संभालता, सर्बियन डांसिंग लेडी कोको पे बहुत ज्यादा बड़ा पत्थर फेंक देती है। फिर गाइस किसी तरीके से गोकू अपने आप को संभालता है और सर्बियन डांसिंग लेडी को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारता है। सर्बियन डांसिंग लेडी भी पलट के गोकू को मारती है। कभी तो गाइस गोकू सर्बियन डांसिंग लेडी को मारता है, कभी सर्बियन डांसिंग लेडी गोकू को मारती है। और उसके बाद गाइस गोकू समझ चुका था कि अगर उसको सर्बियन डांसिंग लेडी को हराना है तो गोकू को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बट गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी गोकू के बिल्कुल पीछे पड़ जाती है, उसको अपग्रेड होने का मौका नहीं देती। गोकू किसी तरीके से सर्बियन डांसिंग लेडी से पीछे छुड़ा के अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहा था, बट सर्बियन डांसिंग लेडी करने नहीं देती। फिर गाइस गोकू सर्बियन डांसिंग लेडी को कामेहामेहा से मारने की कोशिश करता है, बट गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी गोकू को ये अटैक भी करने देती। उसके बाद गाइस फिर गोकू सर्बियन डांसिंग लेडी को मारता है। गाइस गोकू का प्लान ये था कि सर्बियन डांसिंग लेडी को मार के लिटा के उसके ऊपर एकदम से कामेहामेहा अटैक करना था गोकू को। बट गाइस सर्बियन डांसिंग लेडी इतनी आसानी से गोकू को ये करने नहीं देती और उसके बाद गोकू को पट्टी दे देती है। फिर गोकू भी पलट के मारता है और उसके बाद गाइस गोकू को यहाँ पर मौका मिलता है सर्बियन डांसिंग लेडी पे कामेहामेहा मारने का, और ये मारती। सर्बियन डांसिंग लेडी का खेल खत्म हो जाता है। गाइस यहाँ पे फ्रैंकलिन और उसके सारे साथियों ने मिलकर सर्बियन डांसिंग लेडी और उसके सारे चेलों को मार दिया है और ग्रेवयार्ड के अंदर उनको दफना भी दिया है। क्या गाइस यहाँ पे सर्बियन डांसिंग लेडी का चैप्टर खत्म हो चुका है या फिर नहीं, ये तो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता लगेगा। और नेक्स्ट एपिसोड जब आएगा, जब तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और नेक्स्ट पार्ट लिखोगे कमेंट के अंदर, तो नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट गाइस यार अपना सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। सो मैं मिलता हूँ गाइस आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए गाइस बाय बाय।